हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज टू थिन सिमिलर वॉच ग्लास पीसेस आर जॉइंड टुगेदर फ्रंट टू फ्रंट विथ रियर पोर्शन सिल्वर्ड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास पीस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कॉम्बिनेशन सच दैट इट्स टू टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इफ एयर बिटवीन द ग्लास पीस इज रिप्लेस बाय वॉटर हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड सो दैट शार्प इमेज इज अगेन फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। सो ये सिचुएशन में बेसिकली इट इज गिवन दैट के हमने ग्लास पीस के दो टुकड़ों को ज्वाइन किया है। सो इट विल समथिंग लुक लाइक दिस, इट विल बिकम अ कॉन्वेक्स लेंस और इट और उसके हमने रियर पोर्शन को सिल्वर कर दिया है। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन लुक लाइक। अब इस पीस को हमने एक स्क्रीन के सामने रखा है और इट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ वी कैन से 60 सेंटीमीटर और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द, अब ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है ए लेट सपोज सच दैट इट्स टू टाइम मैग्निफाइड इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। सो इसकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो टू टाइम्स है ऑन द स्क्रीन। सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये हमारा यू हो जाएगा, दैट इज इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमारा हो जाएगा इट विल बी वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो इमेज हमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पे गिवन है। और इट नाउ अगर हम इस सिनेरियो को केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन से हमें दो टाइम मैग्निफाइड इमेज मिल रही है, दैट मीन्स इमेज ऑफ दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन की, दैट इज ये जो हमें सेटअप दिया हुआ है, ये जो मिरर बेसिकली ये जो लेंस और इसको जो सिल्वर किया गया है सो इट विल एक्ट एज एन मिरर। ऑलराइट, सो ये एक मिरर की तरह एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन मिरर। सो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो दिस इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, सो ये बेसिकली सेटअप है लेंस प्लस कॉन्केव मिरर का, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे। सो हम इसका इक्वलेंट पावर कह सकते हैं, इट्स इक्वलेंट पावर विल बी टू टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। क्यों टू टाइम्स पावर ऑफ लेंस? बिकॉज जब इसमें से ऑब्जेक्ट में से लाइट लेंस पे जाएगी, फर्स्ट इट विल रिफ्रैक्ट फ्रॉम द लेंस, फिर ये मिरर पे पड़ेगी, देन इट विल कम अगेन बैक एंड देन इट विल फॉर्म सम इमेज ओवर हियर। सो दिस इज यहाँ पे अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो ये दो बार लेंस के थ्रू जा रही है, फर्स्ट ओवर हियर एंड देन ओवर हियर। सो इट दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा है टू टाइम्स पावर ऑफ लेंस इंटू पावर ऑफ मिरर। सो हम इसे इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। सो सबसे पहले हमें इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना होगा। सो ये जो कॉम्बिनेशन है इट विल एक्ट एज ए मिरर। सो मिरर के लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होती है वो होती है -1/FE। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिकॉज ये पूरा इक्वलेंट सिस्टम मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमने इसे -1/FE लिखा है। और यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 1/FL, अगेन यहाँ पे आएगा -1/FM, क्योंकि मिरर का जो फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन है वो है पावर इक्वल्स टू -1/F फॉर मिरर एंड फॉर लेंस इट इज ओनली +1/F। सो ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट FL एंड FM। सो अगर हम बात करें FM की तो हम कह सकते हैं कि लेट सपोज के ये जो कॉन्केव लेंस हमारे पास है और सॉरी कॉन्केव मिरर जो हमारे पास है सो उसका हम FM लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज -R/2। माइनस इस वजह से बिकॉज इट इज अ कॉन्केव मिरर। ऑलराइट, सो द होल सिस्टम इज एक्टिंग, यहाँ पे हमने ये जो मिरर है हमारे पास इसका जो हमने फोकल लेंथ लिखा वो है -R/2। नेगेटिव इस वजह से बिकॉज ये कॉन्केव मिरर है। ऑलराइट, और हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। सो सिंस इट इज कॉन्केव मिरर यही लिख देते हैं। और नाउ जस्ट हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना होगा, सो उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वी कैन राइट बाय लेंस फॉर्मूला, हम इस तरफ ले लेते हैं इसे, बाय लेंस फॉर्मूला हम कह सकते हैं 1/F
एल विल बी इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस वन इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। ऑल राइट, सो यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल के ये जो नोटेशन है इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अगर हम बात करें, सो वी कैन से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम तो एयर होगा बिकॉज यहाँ पे भी एयर है एंड यहाँ पे भी एयर है। सो जस्ट वी हैव टू चेक द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमने इसे ज्वाइन किया है जस्ट टू पीसेस ऑफ वॉच से, दैट इज दिस पीस एंड दिस पीस। तो बीच में जो मीडियम है वो भी एयर ही है हमारे पास। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं वन बाय वन माइनस वन, तो ओवरऑल जो टर्म आने वाला है हमारे पास फोकल लेंथ का यहाँ पे वो आएगा जीरो। ऑलराइट, सो अगर ये जीरो आ रहा है सो वी कैन से माइनस वन ओवर एफ ई विल कम्स आउट टू बी, इस चीज को हम केयरफुली एनालाइज करें, देयरफॉर वी कैन से माइनस वन ओवर एफ ई विल बी इक्वल्स टू माइनस टू बाय आर। ऑलराइट, हम कह सकते हैं कि वन ओवर एफ ई विल बी इक्वल्स टू टू बाय आर। ऑलराइट, सो ये चीज हमें मिल चुकी है, हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास जो डेटा आया है इसे हम इक्वेशन नंबर टू कह देते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हमारे पास जो चीज है, नाउ अगर हम अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, सो लेट्स टेक इट ओवर हियर ओनली। सो मैग्निफिकेशन अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, हमें जो गिवन है डेटा वो है इमेज जो हमें मिल रही है वो ट्वाइस मिल रही है। ऑलराइट, दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से वी विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ यू। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, दैट इज ओ, और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होंगे उसे हम नेगेटिव लेंगे। सो यहाँ पे यू जो होगा हमारा माइनस होगा, वी भी हमारा माइनस होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इट विल बी, सो यू की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली -30। ऑलराइट, और वी हमारे पास है ऑलरेडी, इट इज 60, -60। सो हमें यू और वी दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ अगर हम लेंस फॉर्मूला मिरर्स फॉर्मूला लगाएं, बिकॉज पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, सो वी कैन से बाय मिरर फॉर्मूला वी कैन से वन ओवर वी माइनस वन ओवर प्लस वन ओवर यू विल बी इक्वल्स टू वन ओवर एफ ई। यहाँ पे हम एफ ई इस वजह से ले रहे हैं कि पूरा इक्वलेंट सिस्टम है यहाँ पे। सो वी कैन राइट -1/60 -1/30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर एफ ई, हमने कैलकुलेट किया इट इज 2/r। ऑल राइट, इट विल बी इफ यू केयरफुली एनालाइज, सो यहाँ पे ये -1/fe, यहाँ पे ये जो चीज थी इफ यू केयरफुली एनालाइज एफ एम की वैल्यू हमारे पास -r/2 थी। ऑल राइट, और अगर हम वो यहाँ सब्सटीट्यूट करते तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, सो दिस विल बी पॉजिटिव ओवर हियर, सो ये मिलेगा -2/r। ऑल राइट, सो यहाँ पे ये मिस्टेक थी, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वन ओवर एफ ई विल बी इक्वल्स टू -2/r, तो यहाँ पे ये चीज आएगी -2/r। ऑल राइट, सो अब इसे हम फर्दर सॉल्व करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 40 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो हमें r मिल चुका है, दैट इज लेंस का जो है बेसिकली ये इक्वलेंट सिस्टम का हमारे पास रेडियस आ चुका है। अब अगेन हम ये सारी चीजें वापस से करेंगे, नाउ जस्ट द डिफरेंस ये होगा कि अब एयर की जगह पे जो मीडियम आ जाएगा वो आ जाएगा वाटर, और बीच में तो मीडियम अभी भी एयर ही रहेगा, सो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सो यहाँ पे वी कैन से फॉर वाटर एज मीडियम, सो अगर सिनेरियो रीड्रॉ करें, सो वी कैन से ये हमारी लेंस है, अब जो इसके अंदर मीडियम है वो है वाटर, और बाहर अभी भी हमारे पास जो सराउंडिंग मीडियम है दैट इज एयर, और ये हमारा वो कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, सो अब इस सिचुएशन में वी कैन अगेन राइट पावर इक्वलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 2 power of lens + power of mirror। ऑलराइट, अब यहाँ पे पावर ऑफ लेंस इसको हम लिख सकते हैं इक्वलेंट सिस्टम इज एक्टिंग एज अ मिरर, सो -1/fa इज इक्वल टू -2 × 1/fl -1/fm। नाउ अब हम वन दैट इज फोकल लेंथ ऑफ
दिस कॉन्वेक्स लेंस हम ट्राई करेंगे फाइंड करने के लिए, जो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म हो गई है दो मिरर को ज्वाइन करने से. और दो, सो फर्स्ट यहाँ पे हम वन ओवर एफ एल ट्राई करेंगे फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला. सो हम लिख सकते हैं बाय लेंस फॉर्मूला ओवर हियर, बाय लेंस फॉर्मूला वन ओवर एफ एल विल बी इक्वल्स टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस वन इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू. अब आर हमें मिल चुका है लेंस के लिए, दैट इज 40. सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी कि अब यहाँ पे जो है वाटर फील्ड है अंदर, और इसका मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारे पास 4/3 गिवन है. सो 4/3 बाय 1 माइनस 1, और यहाँ पे ये यह आ जाएगा 1/40 प्लस 1/40. वाई? बिकॉज हमने इस डायरेक्शन को इंसिडेंट के पॉजिटिव माना है. सो इस फर्स्ट फर्स्ट लेंस के सरफेस के लिए ये पॉजिटिव होगा आर, और सेकेंड के लिए नेगेटिव होगा. सो नेगेटिव और नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव हो गया. इसे हम सॉल्व करेंगे. सो 1 ओवर एफएल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/60. सो 1/FL हमारे पास है. नाउ 1/FM लिख सकते हैं. फॉर मिरर हमें पता है कि जो मिरर की फोकल लेंथ होती है दैट इज FM. सो ये होती है बेसिकली वी कैन राइट इट एज टू बी आर बाय टू बी प्रिसाइज. इसे हम नेगेटिव आर बाय टू लेते हैं बिकॉज ये यहाँ पे हमारे केस जो है इट इज कॉनकेव मिरर, है ना. तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है नेगेटिव. सो ये वैल्यूज अब हमारे पास है. नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन द रिजल्ट. सो हमें 1/FE मिलेगा. देयरफॉर वी कैन से माइनस 1/FE विल बी इक्वल्स टू 2 × 1/60, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा. सो हियर वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू दैट इज माइनस 1/FM, और यहाँ पे आर बाय टू है. सो दैट इज 2/40. सो फाइनली वी कैन से इस कैलकुलेशन से वी कैन से हमें एफ ई की वैल्यू मिलेगी -12 cm. ऑल राइट. सो अब हम फाइनली मिरर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा होगा या बेसिकली ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा फॉर सच सिनेरियो. सो वी कैन से बाय मिरर्स फॉर्मूला वी कैन राइट 1/V प्लस 1/U विल बी इक्वल्स टू 1/FE. ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करें हमारे पास v की वैल्यू दैट इज इमेज डिस्टेंस तो फिक्स स्क्रीन पे बन ही रही है दैट इज एट 60 cm. सो इट इज -60 ओवर हियर, और ये ऑब्जेक्ट जो आएगा प्लस ऑफ 1/U, और ये होगा हमारा -1/12. तो यहां से जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास इट इज -15 cm. ऑल राइट. सो इस वैल्यू से हम केयरफुली अगर एनालाइज करें सो पहले जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था दैट वाज एट डिस्टेंस ऑफ 30 cm. ऑल राइट. ये 30 cm था दैट इज u की वैल्यू, लेकिन अब जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी -15. सो ये फाइनल ऑब्जेक्ट अब यहाँ कहीं आ चुका है. ऑल राइट. अगर हम इसे ऑप्टिकल एक्सिस मान लें अपना, सो फाइनल ऑब्जेक्ट इज ऑन दिस साइड. ऑल राइट. सो ये डिस्टेंस जो अब हमें मिला है वो मिला है 15 cm. ऑल राइट. सो वी कैन से देयरफॉर ऑब्जेक्ट हैज शिफ्टेड 15 cm टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन और टुवर्ड्स द मिरर ऑल्सो वी कैन से. सो ये 15 cm शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन क्योंकि ये नेगेटिव शो कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.